तो यह हमारा मनुष्य और सर्प का 6वां नंबर 6th नंबर वीडियो है। अगर आप लोगों ने अभी तक 1 से लेकर 5 नंबर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन खोलिए, उसमें इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, उसके थ्रू आप जाकर उसको पहले देख लीजिए। समझ में आ गया। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा, एक डीपी भी मिलेगा और उसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। और ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो का अंतिम वीडियो होगा और इस वीडियो के बाद इस चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसमें जो हम लोग लास्ट पंक्ति है उसके भावार्थ को समझेंगे और क्या समझेंगे, इस कविता का क्या उद्देश्य, क्या संदेश हमें रामधारी सिंह दिनकर जी इस कविता के माध्यम से हमें देना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, क्या जो नीर का निर्माण फीफी जो कविता थी उसका डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नहीं ऐड किया था हम लोगों ने, तो अभी वो क्या हुआ, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ हम लोगों ने ऐड कर दिया है, तो आप लोग उसे चेकआउट कर लीजिएगा, उसको डाउनलोड करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर पर आते हैं, इस वीडियो में आते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 5वां नंबर जो वीडियो है अगर आप लोगों ने देखा है तो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या कि कर्ण अश्वसेन से कहते हैं कि जो ये शत्रुता होती है, जो दुश्मनी होती है ना, वो इसी जन्म की होती है, एक जन्म की होती है ना, इससे पहले कोई शत्रु होता है एक दूसरे का, ना इसके बाद कोई शत्रु होगा। समझ में आया। लेकिन इस चीज में, इस पंक्ति में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए कर्ण क्या कहते हैं, अगर दो मनुष्य एक दूसरे का शत्रु है, जैसे कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के क्या है, शत्रु है, और ये स्वाभाविक रूप से मतलब ये इस पे हथियार का प्रयोग करके, ये इसमें हथियार का प्रयोग, बाणों का प्रयोग से अगर कोई यहाँ पे हार गया स्वाभाविक रूप से, इसमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं हुआ, तो क्या होगा, अगले जन्म में ये लोग शत्रु नहीं बनेंगे, अगले जन्म में ये दोनों अलग अलग होंगे, अपना जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन अगर बाई चांस छल कपट की सहायता से कोई एक दूसरे को हराता है तो जो हारता है उसके मन में ये जो प्रतिशोध की भावना है वो कभी खत्म नहीं होती है, और वो जब अगला जन्म ले भी लेता है ना तब भी उसके मन में इसके प्रति प्रतिशोध की भावना रहती है, और अगले जन्म में भी ये क्या करता है, इसको ढूंढ के इससे बदला लेने की चेष्टा करता है। ठीक है, ऐसा माना गया है। समझ में आया। अगर तुम लोग छल कपट की सहायता से अपने शत्रु को मारोगे तो उसके मन में ये जो प्रतिशोध की भावना हमेशा पनपती रहेगी, और अगला जन्म में भी वो तुम्हें भूलेगा नहीं, और तुम्हें क्या करेगा, तुम अगला जन्म में अगर जन्म लिए तो उसको प्रतिशोध वो क्या करेगा, तुमको मारने की चेष्टा करेगा, मतलब फिर तुम क्या करोगे, वो भी छल कपट की सहायता से तुमको मारेगा, फिर तुम भी अगले जन्म में उसको छल कपट की सहायता से क्या करोगे, मारोगे। अर्थात अगर शत्रुता पूरी तरह से समाप्त करनी है तो क्या करो, ऐसे ही साधारण रूप से जैसे हो उसी प्रकार किसी प्रकार का छल कपट का सहारा मत लो, अगर छल कपट का सहारा लिए तो ये शत्रुता जो है जन्मों जन्मों तक क्या होगी, चलती रहेगी। इस बात को मेरा ध्यान रखना। ठीक है, अब हम लोग इस पंक्ति को पढ़ते हैं, उसके भावार्थ को समझने की कोशिश करते हैं, वो जो अभी समझाया इससे रिलेटेड है इसीलिए समझाया। ठीक है, देखो अगला जन्म किस लिए भला, ये कर्ण अश्वसेन से कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो अगला जन्म जीवन किस लिए भला, तब हो दुशांत बिगाड़ू मैं, सापों की जाकर शरण सप बन, क्यों मनुष्य को मारू मैं, जा भाग मनुष्य का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने माथे पर नहीं लगा सकता। कर्ण अश्वसेन से कहते हैं, ये लास्ट पंक्ति हम लोग की कविता की। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो शब्दार्थ है उसको पढ़ते हैं। दुशांत मतलब होता है बदले की भावना में अंधा होना, अंधा होना मतलब वो लाठी वाला अंधा वाला नहीं, अंधा होना मतलब बदले की भावना में अंधा होना, या प्रतिशोध की भावना में अंधा होना मतलब जो एक व्यक्ति होता है अगर उससे उसको किसी से दुश्मनी अपनी निकालना, अपना प्रतिशोध लेना है तो क्या करता है, छल कपट का सहारा लेता है, उसे कुछ पता नहीं चलता क्या सही है क्या गलत है, कुछ किसी भी चीज को देख नहीं पाता, सिर्फ और सिर्फ किसी प्रकार से भी अपने शत्रु को हराना चाहता है, मारना चाहता है, तो हम बोलेंगे वो प्रतिशोध की भावना में, बदले की भावना में क्या हो गया, अंधा हो गया। अंधा हो गया मतलब उसको दिखाई नहीं दे रहा, क्या नहीं दिखाई दे रहा उसे, क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीजें उसे दिखाई नहीं दे रही है, तो हम बोलेंगे वो क्या हो, बदले की भावना में अंधा हो गया। शरण शरण मतलब होता है आश्रय, शरण मतलब होता है आश्रय, जैसे समझ लो एक छोटा सा बात बताते हैं, तुम हो, तुम्हारे बड़े भैया है या घर में कोई भी है, ठीक है, कोई तीसरा व्यक्ति तुम्हें तंग कर रहा है, तुम्हें मार रहा है, तो तुम क्या करते हो, अपने बड़े भैया के पास जाते हो और क्या बोलते हो कि मुझे बचाइए, तो बड़े भैया तुम्हारी क्या करते, उससे रक्षा करती है, तो उस समय हम बोलेंगे कि तुम अपने भैया की शरण में गए, शरण मतलब उनके पास गए, उनकी सहायता दिए, वो तुम्हारी सहायता किए और वो तुम्हारे रक्षण किए, तो हम बोलेंगे तुम उनके क्या गए, शरण में गए। सहज शरण मतलब स्वाभाविक, कलंक कलंक मतलब दाग, कलंक मतलब दाग, अब दाग मतलब वो इंक वाला दाग, पेन वाला दाग या फिर मिट्टी वाला दाग नहीं, दाग बोलने का मतलब क्या है, कलंक बोलने का मतलब क्या है, कुछ ऐसा तुम्हारे हम जो चरित्र है, ठीक है, तुम्हारा जो कैरेक्टर है उसमें कुछ ऐसा लांछन लगा देंगे जिसके कारण समाज में तुम्हारा जो इज्जत है, तुम्हारा जो सम्मान है, तुम्हारा जो रुतबा है वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हम बोलेंगे तुम पे क्या लग गया, दाग लग गया, तुम पे क्या लग गया, कलंक लग गया। समझ में आया ना, कलंक और दाग का मतलब क्या हुआ, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग
क्या पढ़ते हैं, इसके भावार्थ को, इसके संदर्भ प्रसंग व्याख्या को पढ़ते हैं। तो देखिए संदर्भ तो सबको आता ही है लिखने, जल्दी से लिख लो, ठीक है, लिखने आता है ना, जल्दी से लिखो ये चीज, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक साहित्य संशोधन के पाठ मनुष्य सर्व से लिया गया है, जिनके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है। प्रसंग हम लोग व्याख्या के बाद पढ़ते हैं, तो देखो व्याख्या क्या लिखा है। प्रस्तुत पंक्ति में कर्ण अश्वसेन से कहते हैं, सबको पता है ये बात, हे अश्वसेन, बदले की भावना में अंधा होकर मैं अपना अगला जन्म क्यों बिगाड़ू। अगला जन्म बिगाड़ने का मतलब वही छल कपट की सहायता से, क्या सही है क्या गलत है ये ना सोच के छल कपट की सहायता से अगर मैं अर्जुन को मारूंगा तो मेरा अगला जन्म में क्या होगा, फिर से वो दुश्मन बन जाएगा, ये दुश्मनी जन्मों जन्म तक चलती रहेगी। और अगला जन्म में मेरा क्या होगा, अगला जन्म होगा वो मेरा क्या होगा, खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि बदले की दुश्मनी में अंधा होकर मैं क्यों अपने अर्जुन को छल कपट की सहायता से मारूं, अगर मैं मारता हूं तो मेरा अगला जन्म भी इसी युद्ध में चला जाएगा और मेरा अगला जन्म भी क्या होगा, बिगड़ जाएगा। तुम जैसे सर्पों का शरण में जाकर, ये यहाँ पे बिंदु नहीं है, ठीक है, ये इसके नीचे, ठीक, शरण में जाकर मनुष्य रूपी सर्प बनकर मनुष्य को क्यों मारूं। बोलते हैं तुम जैसे सांपों के शरण में मतलब तुम जैसे छली कपटी व्यक्ति के शरण में जाकर मैं मनुष्य को क्यों मारूं, मनुष्य होकर मनुष्य को क्यों मारूं, अगर मैं मारता हूं तो मैं भी क्या बन जाऊंगा, वो मानव रूपी सर्पों में मेरा भी नाम क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। हे मानवता के सहज शत्रु अश्वसेन, यहां से तुम भाग जाओ, तुम मेरी मित्रता नहीं पा सकते। बोलते हे मानवता के सहज शत्रु, स्वाभाविक शत्रु अश्वसेन, तुम क्या करो, यहां से भाग जाओ, तुम मेरी मित्रता के लायक नहीं है, तुम मेरे मित्रता कभी नहीं पा सकता। मैं तेरा मित्र बनकर तेरी सहायता से अर्जुन को मारने का कलंक अपने माथे पर लगा नहीं सकता, अतः तू यहां से भाग जा। ये बात बोलकर अश्वसेन को कर्ण क्या करते हैं, अपने सुदूर भगा देते हैं। मतलब अश्वसेन जो होते हैं वो छल कपट की सहायता से जो अर्जुन है उसको मारने से क्या कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। प्रसंग देखिए, प्रसून पंक्ति के माध्यम से दिनकर जी हमें कर्ण जैसा बनने का संदेश देते हैं। जिस प्रकार कर्ण ने अश्वसेन से सहायता लेने से इनकार कर दिया, उसी प्रकार हमें भी मनुष्य रूपी सर्पों से दूर रहना चाहिए, उनकी सहायता नहीं लेनी चाहिए। समझ में आ गया ना, अगर तुम उनकी सहायता लोगे तो तुम्हारे ऊपर भी क्या लग जाएगा, कलंक लग जाएगा, दाग लग जाएगा, तुम्हारा जो ये समाज है समाज में तुम्हारी इज्जत भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, मनुष्य रूपी सर्पों से, छली कपटी जो मनुष्य है उनसे क्या रहना चाहिए, हमेशा दूर रहना चाहिए। तो ये पंक्ति हम लोग का कंप्लीट हो गया। इस पंक्ति के माध्यम से हम लोग पूरा जो कविता है वो कविता के एक एक लाइन के भावार्थ को, शब्दार्थ को, व्याख्या को, सप्रसंग व्याख्या को, सब कुछ को समझ लिया। आप लोग अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, सबको लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। इसी से क्वेश्चन पूछेगा MCQ, और MCQ जो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा आपको वो सब चीज़ें, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। और एक बात देखिए, ये जो मनुष्य और सर्प जो कविता, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और एक बात हम बताना चाहते हैं जो MCQ में पूछा जाता है, जो स्टार्टिंग में नहीं बता पाया, जो मनुष्य और सर्प जो कविता है वो दिनकर जी द्वारा रचित कविता है, ठीक है। एक्चुअली में रश्मि रथी बोल के एक समझ लो बहुत बड़ी कविताओं की पुस्तक है रश्मि रथी, जिसमें महाभारत का पूरा संपूर्ण कहानी कविता के रूप में दिनकर जी ने लिखा है। इतना मोटा किताब है, बहुत मोटा किताब है, बहुत पंक्तियों का, ठीक है। उसमें कविता के रूप में कर्ण के बारे में या महाभारत के बारे में पूरा जिक्र मिलता है, जो जिसका नाम क्या है, रश्मि रथी। रश्मि रथी क्या है, एक काव्य है, बहुत मोटी कविताओं की पुस्तक है समझ लो, ठीक है, जिसमें पूरा महाभारत का, समझ लो महाभारत कितना बड़ा हुआ था, ठीक है, सब चीज़ का जिक्र मिलता है कविता के माध्यम से, ठीक है। तो रश्मि रथी क्या है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा एक काव्य है, काव्य मतलब जिसमें बहुत बड़ी कविता की पुस्तक है, बहुत मोटी कविता है, क्या है, पुस्तक है रश्मि, उसी में से एक छोटा सा पाठ क्या है ये, देखो रश्मि रथी में क्या हुआ, पूरे महाभारत का जिक्र हुआ है, पूरी महाभारत का, जहाँ तक तुम लोग देखे हो पूरा महाभारत को रश्मि रथी में दिनकर जी ने कविता के रूप में वहाँ पे जिक्र किया है, उनको समझाने की कोशिश किया। उसी में से एक छोटा सा एपिसोड टाइप का नहीं होता है, कुछ 2-3 पन्ना का ये कविता है, जब ऐसा होता है दृश्य, इस प्रकार का दृश्य, जब महाभारत के युद्ध में अश्वसेन और कर्ण एक दूसरे के समक्ष होते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, उसी दृश्य को इस
पंक्ति के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से वहाँ पे प्रस्तुत करते हैं और उसी को वहाँ से निकाल के यहाँ पे एक अलग चैप्टर बना दिया गया है, मनुष्य सर्प। तो समझ में आया, ये पूरा पूरा इसमें महाभारत का पूरा चित्र मिलता है, उसी में से दो पन्ना निकाल के जब अश्वसेन अकर्ण की बातचीत होती है वही वाला जो पार्ट है वो निकाल के यहाँ पे क्या बना दिया गया, मनुष्य सर्प नामक कविता बना दिया गया। तो बोलेगा मनुष्य सर्प किस काव्य से लिया गया है, तो रश्मि रथी। ठीक है, रश्मि रथी क्या है, तो एक काव्य है, बहुत सारे पूरा महाभारत का जिक्र उसमें मिलता है। ठीक है, पूरा महाभारत के को वर्णन रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से किया, उसी में से 8-9 पंक्ति निकाल के यहाँ पे हम लोग को मनुष्य सर्प बोल के कविता बोल के पढ़ाया जाता है। रश्मिरथी, इसमें जो रश्मिरथी मुख्य रूप से जो कर्ण है, कर्ण के जीवन के बारे में ही पढ़ाया गया है, जीवन के उनके ही जीवन उनको लेकर, उनको ओरिएंटेड ये कहानी पूरी कविता उनको लेकर। ठीक है, उनको इस उनका ही जिक्र अधिकतर ये जो रश्मि रथी है उस उनमें जो कर्ण है, कर्ण के ही कैरेक्टर का अधिक जिक्र मिलता है, समझ लो ये उनके नायक है, समझ लो। ठीक है, रश्मि रथी का अर्थ ही होता है कर्ण, जो कर्ण है या राधे बोल सकते हो। तो बोलेगा रश्मि रथी किन्हें कहा गया है, तो कर्ण को कहा गया है। रश्मि रथी क्या है, तो पूरी महाभारत को जो ये है उनको क्या किया है रामधारी सिंह दिनकर ने, क्या है कविता के रूप में बहुत मोटी पुस्तक में कविताओं की पंक्तियों के रूप में लिखा है, सजाया है। ठीक है, उसी में से एक छोटा सा पात्र, छोटा सा ये जो 2-3 पेज का कविता है, दृश्य है, उसको मनुष्य सर्प नामक कविता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। तो रश्मि रथी क्या है, रश्मि रथी किन्हें कहा जाता है, कर्ण को ही रश्मि रथी। एमसीक्यू में पूछेगा, याद रखना, रश्मि रथी क्या है, कर्ण को ही रश्मि रथी कहा जाता है। रश्मि रथी क्या है, एक पुस्तक है महाभारत के बेस पे, महाभारत इसमें महाभारत का संपूर्ण जिक्र मिलता है इस पुस्तक में। ठीक है, और इसकी रचना किसने किया है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने किया, और क्या है काव्य, मतलब वो बहुत मोटी पुस्तक है, कविता की पुस्तक है। ठीक है, इतना हो गया, और ये पूरी तरीके से ये क्या हो गया, खत्म हो गया। इसको तुम लोग नोट डाउन कर लो, इस पॉइंट को भी याद रखना। ठीक है, और इसके बाद हम लोग उद्देश्य या संदेश को लिखते हैं, पहले इसको नोट डाउन करो। अब देखो ये जो हमारी लास्ट क्वेश्चन रहेगा, समझ लो। ठीक है, इसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, मनुष्य सर्व कविता के माध्यम से कभी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, इनका क्या संदेश देना चाहते हैं, मानवता का संदेश देना चाहते हैं रामधारी सिंह दिनकर, की छल कपट का सहारा हमें नहीं लेना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें क्या रामधारी सिंह दिनकर इस कविता के माध्यम से हमें सिखाते हैं। जैसे कर्ण ने छल कपट का सहारा नहीं लिया, उसी प्रकार हमें भी क्या करना चाहिए, छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। कविता का लिखने का क्या उद्देश्य, इनका उद्देश्य है कि मनुष्य उद्देश्य मतलब क्या, किस सोच के माध्यम से ये कविता लिखना इन्होंने लिखा था, ये किस लिए कविता लिखे थे, उसी को बोलते होते। तो ये किस लिए लिखे थे कि हम जैसे आम आदमी इसको पढ़े और हम भी क्या करें, अपने शत्रु को हराने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए छल कपट का सहारा नहीं ली, यही उद्देश्य इन्होंने क्या कहता है इस कविता को लिखा था। यह कर्ण के मानवतावादी स्वभाव का वर्णन कर, इस पूरे कविता में कर्ण के मानवतावादी स्वभाव का ही वर्णन मिलता है। ठीक है, तो उसी चीज़ का अगर तीनों में से कोई भी एक पूछ दिया आपको क्वेश्चन, तो यही आंसर आपको लिखना है। और हम बोलेंगे पहले इस क्वेश्चन को उतार लो अपने कॉपी में और खुद से जाके इसको एक बार सॉल्व करो, क्योंकि पूरी कविता हम लोग पढ़ चुके हैं, एक एक लाइन का भावार्थ हम लोग समझ चुके हैं। ये क्वेश्चन को आराम से तुम बना के लिख सकते हो, और एक बार अपने से लिख लोगे ना तो तुम्हें याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं हुई, तो एक बार वीडियो को बंद करो, जाके पहले लिख लो। बंद कर दिए क्या, ठीक है, लिख लो, जाके लिख लिए। अब एक बार यहाँ पे हम पढ़ देते हैं, उसको एक बार देख लो, जो नहीं लिखा उसको भी एक बार देख लो, इसको याद कर लेना खुद से, इसको पढ़ के फिर से अपने से ये क्वेश्चन को करने का सॉल्यूशन करना। ठीक है, या ये क्वेश्चन पूछे, या फिर ये पूछे, या फिर ये पूछे, तीनों में से कोई एक पूछे यही लिख देना, थोड़ा मोड़ा उसमें चेंजेस कर देना। ठीक है, देखो उत्तर क्या होगा, मनुष्य सर्प रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य रचना है, रश्मिरथी से लिया गया है, जिसमें कर्ण के रश्मिरथी से लिया गया है। ठीक है, सॉरी रश्मिरथी से लिया गया है, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कर्ण के मानवता की स्वरूप को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया, ये भी हम जानते हैं। कर्ण और अर्जुन महाभारत के युद्ध में एक दूसरे पर बाणों का प्रहार कर रहे थे, ये दृश्य स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसी दृश्य से पूरी कविता स्टार्ट होगी, महाभारत का युद्ध चल रहा था वहीं से। तो उसी समय अश्वसेन नामक सर्प कर्ण के समक्ष आते हैं, सामने आते हैं, और अपनी अर्जुन से शत्रुता की कहानी कर्ण को बताते हैं, और कर्ण से अर्जुन को मारने के लिए सहायता मांगते हैं, ये सब हमको पता है। अश्वसेन छल कपट के सहायता से अर्जुन के वध की
बात कहते हैं। छल कपट की सहायता से अश्वसेन क्या करना चाहता है, कर्ण अर्जुन की हत्या करना चाहता है, वही बात को क्या कहते हैं, अश्वसेन कर्ण से कहते हैं। परंतु छल कपट का सहारा लेकर अपने शत्रु की हत्या करना कर्ण को मानवता के खिलाफ लगता है और वे अश्वसेन को सहायता करने से मना कर देते हैं। अगर कर्ण चाहते तो अश्वसेन की सहायता से आसानी से अर्जुन को मारकर यह महाभारत का युद्ध जीत जाते, यह समाप्त कर सकते थे, परंतु कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वे मानवता को किसी भी हार जीत से पहले रखते हैं, ठीक है, मानवता को क्या रखते हैं, किसी भी हार जीत से पहले रखते हैं। अगर वो चाहते तो अश्वसेन की सहायता से वो अर्जुन को परास्त कर सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने देखा कि ये मानवता के खिलाफ है, छल कपट का सहारा हमें नहीं लेना चाहिए, इसलिए उन्होंने नहीं लिया। लेकिन आज के समय में लोग अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज के समय क्या हुआ, कोई छल कपट नहीं। आज तुम सोचो, कर्ण और जो अर्जुन है एक दूसरे के परम शत्रु है, लेकिन कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए भी छल कपट का सहारा नहीं लिया। लेकिन आज के समाज में क्या होता है, भाई भाई जो खून के रिश्ते होते हैं उसमें भी क्या होता है, एक भाई दूसरे भाई को हराने के लिए या कुछ करने के लिए झगड़ा हो जाए दोनों के बीच, तो क्या करते हैं, छल कपट, इससे जलन की भावना उनके अंदर आ जाती है। लेकिन हमें कर्ण से सीखना चाहिए, जिन्होंने छल अपने परम शत्रु, अपने सबसे बड़े शत्रु अर्जुन को भी हराने के लिए छल कपट का सहारा नहीं लिया, ठीक है। इसलिए ये इनसे हमें सीखना चाहिए। लेकिन आज के समय में लोग अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अतः रामधारी सिंह दिनकर इस कविता के माध्यम से हमें मानवता का संदेश देना चाहते हैं। वे यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें कि अपने शत्रुता को निभाने के लिए किसी भी छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए, अपने शत्रु को परास्त करने के लिए किसी प्रकार के छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। यही संदेश है, या इसी उद्देश्य के माध्यम से वो कविता लिखते हैं। और कर्ण के मानवतावादी स्वभाव के बारे में तो यहां तुमको पता चल ही रहा है, ठीक है। तो यह हुआ क्या, इसका उत्तर हुआ, ठीक है, ये पूरी कविता अब यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब सारांश तुम लोग बोलोगे तो देखो, सारांश तो ऐसे पूछता नहीं है किसी भी को माध्यमिक परीक्षा में, अभी तक तो पूछा गया नहीं है, पूछा नहीं गया है कि इतनी बड़ी कविता का पूरा सारांश लिखो। तब भी हम लोग एक एक अर्थ को समझ चुके तो सारांश को अपने से तुम लोग लिखने का ट्राई करना, लेकिन वो पूछा नहीं जाता। एक बार ऐसे लिख लेना कि भाई चांस आ गया, अगर पूरी कवि पंक्ति तुमको याद रही, व्याख्या याद रही, तो उसको तुम आराम से सारांश को लिख सकते हो। तो ये पूरी तरीके से हम लोग का यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग की जो सात कविता थी, सात कविता में चार कविता चली गई, कितनी कविता बची, तीन कविता। लेकिन ये तीन कविता अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, अभी पूरा कविता पढ़ा देंगे तो थोड़ा, या पहले चार पढ़ा दिए ना, तो उसको याद कर लो पूरी अच्छी तरीके से, पंक्ति उंक्ति पूरा सबको याद कर लो, कौन रचनाकार है, जितने भी क्वेश्चन दिए सबको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब हम लोग किसी कहानी पे जाएंगे, मेरा तो मन है उसने कहा था जो कहानी है वो स्टार्ट करने का। अगर आप लोग का कोई विशेष मन है कि भैया ये कहानी स्टार्ट कीजिए तो आप लोग बता सकते हैं, नहीं तो हम उसने कहा था नेक्स्ट वीडियो से उसने कहा था ये पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग भी क्या करना कि उसने कहा था जो कहानी है, ठीक है, उसको एक बार पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है, और हम उसका क्वेश्चन देंगे, समझा देंगे अच्छे तरीके से, आप लोग बस उसको एक बार जनरल न्यूज़पेपर जैसा इसको रीडिंग करते रहना, जिससे थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत हम समझा देंगे तो थोड़ा थोड़ा करके बहुत हो जाएगा, पूरा समझ में आपको आ जाएगा, समझ गए ना। तो ये हम लोग का खत्म हो गया और नेक्स्ट वीडियो से उसने कहा था स्टार्ट होगा। तो आप लोग उसको क्या करना, पहला पेज जो राइटर के बारे में या पहला पेज जो है उसको पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे। और एक बात देखो, हिंदी हम पढ़ा रहे हैं तो हम तुमको अपना एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं, ठीक है। क्या होता है, हिंदी में जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ 90 मार्क्स का जो पेपर होता है, 3 घंटे का मिलता है हम लोग को, ठीक है। हिंदी में क्या होता है, अधिकतर बच्चों को सब आता ही है, ठीक है, हिंदी में सब कुछ पढ़ के ही जाते हैं हिंदी, ठीक है, सब आता है। लेकिन क्या होता है, हम पर्सनल बता रहे हैं अपना, उस समय जब हमको सब आता था ना, तो हम अपना जो स्पीड है लिखने का, जो स्पीड है वो मेरा मैनेज नहीं हो पाया और 4-5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो छूट गया। क्यों, क्योंकि जो मेरा लिखने का स्पीड था उस समय बहुत कम था, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो तुम लोग अभी से क्या करना, राइटिंग 2-3 पेज राइटिंग लिखना स्टार्ट करना, जिससे तुम्हारा जो स्पीड होगा राइटिंग लिखने का स्पीड वो क्या होगा, अधिक होगा, ज़्यादा होगा। और हिंदी में सबको सब कुछ आता है लेकिन वही स्पीड मैनेज नहीं कर पाते, इसीलिए तुम लोग क्या करना, पहली बात तो हिंदी में राइटिंग पे भी देखो, एग्जाम अच्छा लिखोगे तो राइटिंग उइटिंग भी मैटर करता है, अगर अच्छा नंबर लाना है तो तुम क्या करना, राइटिंग को सुधारने के लिए बोल सकते हो या अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए तुम 1-2 पेज हर कहानी को लिखते रहना, ठीक है, जो भी तुम्हारी 10th क्लास में उसको लेना, जैसे बचपन में हम लोग लिखते थे
राइटिंग ना, और से एक दो पेज हमेशा लिखते रहना जल्दी जल्दी, ठीक है, जिससे तुम्हारा राइटिंग भी सुधरेगा, तुम्हारा जो स्पीड है वो भी सुधरेगा, ठीक है। पर्सनल बात हम बता रहे हैं अपना, ठीक है। मेरे साथ ऐसा हुआ, 4-5 मार्क्स जो मेरा क्वेश्चन था वो छूट गया था। क्यों छूट गया था? क्योंकि मेरा जो स्पीड था वो बहुत कम था। तो हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ भी वो घटना घटित हो, इसलिए अभी से तुम लोग क्या करना, वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना कि तुम्हारा उस समय स्पीड क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है, और तुम पूरा 90 मार्क्स का पेपर को अटेम्प्ट कर पाए। मेरा ये बात तुम लोग जरूर मानना, ठीक है। अब इस वीडियो का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।